तो आईफोन एक्स लॉन्च तो हो गया है लेकिन खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ फोन जैसे कि गैलेक्सी नोट 8 और आईफोन 8 लॉन्च भी हो गए हैं और खरीदने के लिए अवेलेबल भी हैं। हम लोग बेंचमार्क्स के जरिए देखेंगे कि दोनों में पावरफुल कौन है कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स के मामले में। तो Geekbench 4 के सिंगल कोर स्कोर्स की बात करें तो Galaxy S8 Plus का है करीब 1900, Note 8 का है करीब 1900, iPhone 8 Plus का है करीब 4200 और iPhone 8 का भी है करीब 4200। तो जैसा कि आप देख सकते हैं iPhone 8 और 8 Plus Note 8 और S8 Plus से सिंगल कोर कंप्यूटिंग के मामले में बहुत ही आगे हैं। बात करें Geekbench 4 की मल्टी कोर स्कोर्स की तो S8 Plus के हैं करीब 6400, Note 8 के हैं 6500, iPhone 8 Plus के हैं 9900 और iPhone 8 के हैं 10000 लगभग। तो मल्टी कोर कंप्यूटिंग के मामले में भी iPhone 8 और 8 Plus, S8 Plus और Note 8 से काफी ज्यादा हैं। एंटूटू बेंचमार्क्स की बात करें तो S8 Plus के हैं करीब 175,000, Note 8 के हैं 179,000, iPhone 8 Plus के हैं 193,000 और iPhone 8 के हैं 202,000। एंटूटू बेंचमार्क्स में भी iPhone 8 और 8 Plus काफी ज्यादा आगे हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो 3D Max स्कोर्स में S8 Plus के हैं करीब 36,000, Note 8 के हैं 39,000, iPhone 8 के हैं 62,000 और iPhone 8 Plus के 64,000। रियल वर्ल्ड के कंप्यूटिंग यूसेज की बात करें तो अगर आपके पास 2 मिनट की कोई 4K क्लिप है तो S8 Plus उसे एक्सपोर्ट करने में कुछ लगाएगा 3 मिनट 40 सेकंड, Note 8 लगाएगा 3 मिनट, iPhone 8 लगाएगा 40 सेकंड और iPhone 8 Plus भी लगाएगा करीब करीब 40 सेकंड।